हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वी डे इम्पैक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, क्या सही तरीका है। फुल प्रोसेस के साथ वीडियो होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भरपूर लाइक दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेंगी। एंड जिसको भी प्रॉब्लम्स हैं पिगमेंटेशन की, डार्कनेस की, सनटेन से जो हो जाता है, वो सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली है। और डिटेल यूज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है जो आपको सही तरीके से यूज करना होता है, सब चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि किसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो, आप इसको वीडियो को देख पाए और उसका फ़ायदा उठा पाएँ। वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो की जरूरत ना हो, आपका फेस क्लीन हो, सॉफ्ट हो, स्मूथ हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बट हो सकता है आपके जानने वाले में किसी को प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेन अप्लाई करने से पहले आपके पास होना चाहिए पहले डिटेन पैक। इसको मैंने मीशो से मंगाया था और ABS का ये अरोमा ब्यूटी हर्बल डिटेन रिमूवर फेस पैक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसको अपने कई कस्टमर्स पे अप्लाई किया था। ये 336 रुपीज का मुझे इतना मिला है, 500 मिलीलीटर का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डिटेन पैक अप्लाई करते टाइम हम लोग कई बार क्या करते हैं, डिटेन पैक को डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका कस्टमर हो सकता है कहीं धूल मिट्टी धूप से आ रहा है और आपने डायरेक्ट पैक उन पर अप्लाई कर दिया, तो ये फ़ायदा करने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आपका क्लाइंट, आपके कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो वो एक होप लेके आ रहे हैं, एक उम्मीद लेके आ रहे हैं कि आप उनके स्किन को ग्लोइंग बनाओगे, अच्छा रिजल्ट दोगे उनके फेस को, जो भी वो उनको प्रॉब्लम्स थी उनको क्लियर करोगे। तो इसमें आपका फर्ज बनता है कि आप उनको पूरा ईमानदारी से, पूरा अच्छे से उनके फेस का ट्रीटमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम वो लेके आ रहे हैं अपना 100% दीजिए, तो ही कस्टमर हैप्पी रहेंगे, तो आप भी हैप्पी हो, आपका काम भी अच्छा चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिटेन अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस पे पहले गुलाब जल से अच्छे से स्प्रे करना है। तो गुलाब जल ये मैंने ले लिया है, अगर गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी लगा सकते हो, आरो वाला पानी जो होता है, मतलब फिल्टर पानी। उसके बाद आपको पैक लेना है। क्लिंजिंग मिल्क का क्या काम होता है, आपके स्किन से डर्ट को रिमूव करना, या फिर कोई मेकअप वगैरह किया है आपने उसको रिमूव करता है और आपके फेस पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो इस तरीके से पूरे फेस पे क्लिंजिंग मिल्क को अप्लाई कर देना है। क्लिंजिंग मिल्क भी हमारा अरोमा का है, तो मैंने डिटेन पैक भी अरोमा का यूज़ किया और क्लिंजिंग मिल्क भी अरोमा का अप्लाई किया है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो जो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। फिंगर टिप्स से आपको बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालने हैं, जोर जोर से रब नहीं करने हैं, अच्छे से 5 मिनट तक आपको पूरे फेस पे इस तरीके से मसाज करना है क्लिंजिंग मिल्क से, जिससे कि आपके स्किन पे अगर डर्ट मिट्टी धूल पोल्यूशन कुछ भी हो वो निकल जाए, एंड आपने कोई मेकअप भी किया है हल्का फुल्का तो वो भी निकल जाए। हम अपने फेस का जितना ख्याल रखते हैं उतना ही हमको गर्दन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा फेस भी गर्दन भी फेस की तरह ही बाहर दिखता है, एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनको भी झेलनी पड़ती हैं। तो फेस को हम मेकअप भी करते हैं तो फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका फेस तो क्लीन होगा बट गर्दन नहीं। तो आपका काम है कि फेस और गर्दन दोनों एक कलर में दिखे, है ना। तो फुल प्रोसेस जो आप अपने फेस पे दे दो वो गर्दन पे भी जरूर दीजिए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करनी है, पूरा वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि कोई भी हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, तो स्किप मत कीजिएगा। अगर बिल्कुल अच्छे से आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगी डे बाय डे। तो अगर पार्लर का काम आप सीखना चाहते हो या फिर आपके जानने में कोई सीखना चाहता है, तो मेरी वीडियो लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वो घर बैठे बिना पैसे खर्च किए फ्री में पार्लर का काम सीख पाए, वो भी पूरी बारीकी एंड डिटेल के साथ। ओके, तो इस तरीके से कल मैंने बताया था साड़ी के लिए मेकअप और हेयर स्टाइल, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर पार्टी वार्टी है, बाल पतले हल्के छोटे हैं,
तो आप उन पे वो हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो और बहुत इजी है। तो चलिए यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट भी हो गए और अच्छे से मेरे स्किन में जो भी डर्ट वगैरह था वो क्लीन हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा मसाज करते टाइम थोड़ा थोड़ा पानी अपने हाथों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमको यहाँ पे जो क्लींजिंग मिल्क है उसको स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना है, स्किन से गंदगी और डर्ट्स को बाहर निकालना है। तो जितना गीला प्रोडक्ट रहेगा उतना ज़्यादा डर्ट और गंदगी बाहर निकलेगी। ओके, क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करने का ये सही तरीका है पूरा। और फेशियल में, पार्लर में जो भी मसाज वगैरह फेशियल वगैरह होता है सारी चीज़ों में क्लींजिंग मिल्क फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्लींजिंग मिल्क का काम ही होता है स्किन के डर्ट एंड गंदगी को निकालना। तो इसको यूज के बिना अपना फेशियल कर सकते हो, ना मेकअप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करना ही करना है और इसको सही तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फेस ऑयली है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल है वो ईजिली निकल जाए। स्पंज को इस तरीके से लिया है, पूरा एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया हूँ और फेस को और गर्दन को साफ कर दिया है। अब बारी आती है डिटेल पैक को अप्लाई करने की। तो ये हमने डिटेल पैक लिया है। एक चीज़ मैं बता दूँ डिटेल पैक के बारे में, पैक अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से ड्राई करना है, फेस को रब नहीं करना है, बिगड़ना नहीं है। तो हल्के हल्के इस तरीके से आप अपने पे अप्लाई कर दो या फिर कस्टमर पे अप्लाई कर दो, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से पानी को बस सुखा लेना है। और डिटेन पैक के बारे में आपको बता दूँ, डिटेन पैक में मिंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके स्किन में थोड़ी सनसनाहट सी पैदा करेंगी जब आप उसको अप्लाई करोगे। तो आपको जब आप कस्टमर को लगा रहे हो तो उनको पहले ही क्लियर कर दीजिए कि आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी, बट एक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करने के लिए ऐसा होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2 से 4 मिनट में ऑटोमेटिकली ठंडा होने लगता है। तो अगर कस्टमर ऐसा करे कि सनसनाहट हो रही है, जलन हो रही है, तो उनको बोलो ऐसा होता है, बस 2-4 मिनट रुकिए और अभी ठीक हो जाएगा। 1 से 2 मिनट में धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। डिटेन पैक को लगाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट रखना है ऐसे। आई पे आप चाहो तो खीरा रख सकते हैं, वो आलू रख सकते हो, या फिर गुलाब जल को कॉटन बॉल में भिगो के उसको भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वीडियो बता रही हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं रख रही हूँ। और इसको लगाने के बाद से आप 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दोगे, उसके बाद इसको हल्के पानी से मसाज करके उतारोगे। तो 15 मिनट तक वेट करते हैं। तो चलिए टाइम देखते हैं, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो फाइनली पैक मेरा सूख चुका है एंड इसको कैसे रिमूव करना है, हल्का हाथों को गीला करना है एंड हल्के हल्के हाथों से मसाज देना है। अभी रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था तो मैंने इसको 10 मिनट में उतार दिया, तो 15 से 20 मिनट तक कम से कम रख लीजिएगा फेस पे अपने। हल्के हाथों से मसाज देना है, जब अच्छे से आपकी जो बीटेन क्रीम है वो लूज पड़ जाए फिर इसको रिमूव करना है। तो आपको एक हफ्ते में एक बार यूज करना है, अगर आपके स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर सही है तो आप 15 दिन पे एक बार यूज कर सकते हो।
आपको फर्स्ट यूज से ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा, लेकिन आप इसको रेगुलर तौर पे यूज करोगे, स्किन की अच्छे से केयर करोगे, जो आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए उसके लिए आपको अपने डेली रूटीन में सनस्क्रीन ऐड करना है, एंड डी टेन को आपको हफ्ते में एक बार अप्लाई करना है। तो आप एक यूज में तो नहीं, मतलब एक बार यूज करने के बाद से अच्छा सा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन जरूर ले लीजिएगा, और फिर आप अपने स्किन का जो ग्लो है वो वापस से पा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने साफ कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में स्किन फेस को अच्छे से ड्राई करने हैं, और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने क्लाइंट पे, कस्टमर पे अप्लाई करना है, और खुद का कर रहे हो तो खुद पे अप्लाई करना है। और डे का टाइम है तो आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कीजिए, आपके फेस का अनइवन होना एंड आपके स्किन पे टैनिंग आना और डार्कनेस आना, सब सारी चीज़ों का रीज़न है कि आप अच्छे से अपने स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हो। स्किन केयर रूटीन पे एक अलग से डिटेल वीडियो डाली हुई है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये ले सकते हो। सनस्क्रीन अप्लाई करके भी नाइट का टाइम होगा तो मैं बस सोने जा रही हूँ, लेकिन अगर दिन का टाइम है बाहर जा रहे हो आप तो सनस्क्रीन को आपको अप्लाई करना है। तो आई होप कि डिटेल से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो और आप हेल्पफुल वीडियो देख पाओ। जिसको भी पार्लर से रिलेटेड काम सीखना है और आप पार्लर नहीं जा सकते हो, टाइम नहीं है, तो आप उनको मेरे चैनल का लिंक एंड वीडियो शेयर कीजिए, वो लोग इजीली सीख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से, बहुत बारीकी के साथ मैं बताती हूँ, ताकि जो भी बैगिनर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं और आपको सीखने में और अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।